मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सो सकती है, मेरे दुख में मुझसे ज्यादा बस वही रो सकती है। माथा चूम के मुकद्दर बदल देने का जादू उसी को आता है और उसी का हाथ है जो थर्मामीटर से भी ज्यादा करेक्ट टेम्परेचर बताता है। सही कहा मैंने? मैंने रिश्तों की तमाम पे तब से जान देती है जब मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर सिर्फ एक लकीर बन के दिखा था। बताइए इससे पुराना रिश्ता मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया में ऐसा कौन है जो बगैर आपका चेहरा देखे, बगैर आपको जाने, बगैर आपको पहचाने आप पे जान देता हो? सिर्फ मां। मैंने रिश्तों की तमाम किताबें पढ़ के देख ली, पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा था। साथियों, अकेला प्यार है दुनिया का जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बाकी हर प्यार सच यही है, कड़वा सच है, थोड़े दिनों का प्यार होता है। मोहब्बत 4 दिन की और जुदाई जिंदगी भर की, यही सब सोचता है और कबीरा रोने लगता है। ये अकेला प्यार है दुनिया का जिस प्यार में बेवफाई नहीं होती। बताएं आप, क्या दुनिया में कोई मां कभी बेवफा हुई है? लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम ध्यान नहीं जाता हमारा, पूरी दुनिया में मोहब्बत ढूंढते घूमते हैं हम। पूरी दुनिया में मेरे नौजवान साथी यहां है, कहां कहां मोहब्बत की तलाश होती है। अरे कभी घर के बगल वाले कमरे में झांक लो, उससे सच्ची मोहब्बत नहीं मिलने वाली इस जन्म में। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि हमें लगता है अरे ठीक है, मां के पास फिर कभी चले जाएंगे, आज नहीं कल सही, मां ही तो है। कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम मां को, आज ये समझने की और जानने की जरूरत है। इस साल दिवाली पे गांव नहीं जा पाया, आप में से कितने लोग इस बार दिवाली पे मां के पास नहीं गए, एक बार हाथ उठा के मुझे बताइए। देखिए हाथ उठ रहे हैं, मां आपकी सच्चाई के लिए आपको प्रणाम, तालियां बजाता हूं मैं आपके लिए। इस साल दिवाली पे गांव नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, अगले साल चला जाऊंगा या अगले साल मां को ही शहर ले आऊंगा। देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, फिर कभी सही। कुछ गलत नहीं सोचते हो तुम, ये करियर बनाने की घड़ी है, दिए जलाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन ये जो शब्द ऐसे ही बोल जाते हो ना, अगली बार, फिर कभी, नेक्स्ट टाइम, एक बार ठहर के इन शब्दों का खोखलापन सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया तुम उसे हक से भी आधा दे रहे हो। सोचना कि जिसने तुम्हें जरूरत से ज्यादा दिया तुम उसे हक से भी आधा दे रहे हो। जिसकी जिंदगी का सूरज एक एक दिन पश्चिम की ओर सरक रहा है तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पे बरसों बरस बाकी होंगे दोस्त, मां के दिन महीने साल खो चुके हैं, कभी ध्यान से देखना, तुम्हें सोना 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 कहते उसके बाल चांदी हो चुके हैं। तुम्हें देखते ही मां की आंखें चमक उठेंगी, इससे बड़ी दिवाली क्या होगी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं ऐसे लोगों से आज बात कर रहा हूं जिनके सीने में धड़कता हुआ दिल है, वो लोग जिन तक मेरी बातें पहुंच रही हैं, वो लोग जो सिर्फ मुझे कानों से नहीं सचमुच हृदय से सुन रहे हैं, आत्मा से सुन रहे हैं। आपकी श्रवण शक्ति को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत आभार आपका मुझे इतने ध्यान से सुनने के लिए। और होता यह है कि मैंने आपसे ये बात बहुत बार कही कि मां इनविजिबल कैसे हो जाती है, जो हर वक्त आसपास रहे वो अक्सर नजर नहीं आता। ये ह्यूमन साइकी है, आप वैल्यू उसी करते हैं, कीमत उसी करते हैं जो आपको कम देता है। पिता से मुलाकात कम होती है, पिता बिजनेस पे जा रहे हैं, पिता काम पे जा रहे हैं, पिता टूर पे गए हैं, पिता दौरे पे हैं, कम मिलते हैं, तो शायद आप उनकी कदर कर लेती हैं। मां तो हर वक्त आसपास रहती है, इसलिए मां की कदर करना दोस्त बुरा मत मानना और भूल हो जाते हो। जो हर वक्त आसपास रहता है वो अक्सर नजर नहीं आता, मां के साथ भी यही होता है। पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि देखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? सच है, इस सवाल का जवाब अपने मन से पूछिएगा, मैं सुनना नहीं चाहता आपसे, शांति चाहता हूं, पर आप पूछें अपने आप से कि आखिरी बार मां को आंख भर के कब देखा था? तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था मां जज रही हो, बहुत 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 प्यारी लग रही हो? तुम क्या सोचते हो, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? मां भी कभी लड़की थी दोस्त, दुनिया की हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। आप में से कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने पिता की सैलरी पूछी हो? मैंने तो कभी नहीं पूछी, मैं तो बस ये कहता था पापा ये चाहिए और वो आ जाता था। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी कपड़ों खिलौनों और किताबों से भरी,
और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी शहर में। ये आपकी कहानी है, मैं आपको सुना रहा हूं, सिर्फ जबान मेरी है। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, कपड़ों, खिलौनों और किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता, पर कपड़े, किताबें, खिलौने में जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए दिल पे दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, पर ध्यान रखना कि वो जो सिक्के आपकी नजर उतार के माने गंगा में फेंक दिए थे ना, वो उसको कभी नहीं लौटा पाओगे। इतने अमीर कभी नहीं बन सकते कि वो सिक्के लौटा दो। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर अपनी मां के अस्तित्व में आप आस्था रखेंगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। धूप समय की लाख सताए, मुझमें हिम्मत बाकी है। धूप समय की लाख सताए, मुझमें हिम्मत बाकी है, मेरा सर ढकने को माई तेरी चुनर काफी है। थैंक यू, मैं फिर आऊंगा।